नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। भले ही तीन तलाक को लेकर सरकार सख्त है और सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसे ना सरकार से मतलब है और ना सरकार के नियमों से। उनकी गंदी मानसिकता उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। आज भी कुछ मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक को लेकर खौफ में रहती हैं, क्योंकि इस तीन तलाक से उनका सब कुछ उजड़ जाता है, उनकी खुशियां, उनका परिवार, सब कुछ। वहीं अगर सनातन धर्म की बात करें तो तलाक जैसा नामो निशान भी नहीं है इस धर्म में। तभी तो कुछ मुस्लिम महिलाएं अपने धर्म के नियम कानून से परेशान होकर हिंदू धर्म अपना लेती हैं। ये बातें हम हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बरेली से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर अमरीना राधिका बन गई। अमरीना के राधिका बनने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। बता दें कि अमरीना तीन तलाक से इतना डरी हुई थी कि उसने अगस्त मुनि आश्रम मंदिर में धर्म परिवर्तन कर लिया और बरेली के ही रहने वाले पप्पू नाम के लड़के से शादी कर ली और अपना नाम राधिका रख लिए। आइए आपको सुनवाते हैं कि अगस्त मुनि आश्रम के आचार्य पंडित के शंखधार का इस मामले पर क्या कहना है। पंडित जी, आज आपने ये शादी कराई है, पूरी बात बताइए इसके बारे में। ये दोनों बच्चे, इनके कोई शुभचिंतक हैं? उनका फ़ोन आया हमारे पास कि इस तरीके से एक लड़की अपनी इच्छा से आ गई है और उसे उसके घर वालों ने, माँ बाप ने लड़के के वापस जाने को कहा, मगर उसने कहा कि मर जाऊँगी, वापस नहीं जाऊँगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा भाई, अगर दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनका विवाह संस्कार करा दीजिए, शादी करा दीजिए। तो वो हमारे पास ले कर के ना आ जाए, और इन्होंने, हमने इससे पूछा लड़की से कि तुम किसी जोर दबाव में तो नहीं हो, किसी ने बहला फुसला तो नहीं? इसने बिल्कुल नकारा और अपनी स्वेच्छा से इन्होंने कहा कि मैं अपना राधिका नाम रखना चाहती हूँ, हिंदू धर्म में मेरी आस्था है। वैसे कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाकर भेजता है, लेकिन कौन जानता था कि बरेली की अमरीना और पप्पू की जोड़ी एक मिस्ड कॉल के जरिए बन जाएगी। अमरीना के पास पप्पू का गलती से मिस्ड कॉल आया, तब से दोनों की बातचीत शुरू हुई, दोनों को प्यार हुआ और समाज की बंदिशों को तोड़कर एक दूसरे के साथ साथ फेरे ले लिए। वहीं राधिका का कहना है कि अब विवाह के बाद तीन तलाक का डर भी खत्म हो गया, कुछ लोगों को इस रिश्ते से परेशानी हो रही है, इसलिए घर वापस नहीं जाऊंगी, अपने पति पप्पू के साथ रहूंगी, वो जहाँ चाहेंगे वहीं गुजारा कर लूंगी। पप्पू भी अपनी मोहब्बत को मुकम्मल देख बहुत खुश है। मैं अपने रिश्तेदारी में नंबर लगा रहा था, तो मतलब रोल नंबर लग गया था, तो मतलब पहली बार बात हुई थी तो इन्होंने मतलब कुछ कहा था, तो उस दिन से मैंने मतलब कॉल नहीं लगाई, दूसरे दिन लगाई, तो फिर बातचीत मतलब होती रही, फिर होती रही। और आज पहली बार आप लोग एक दूसरे से देखा है? हाँ जी। अचानक से ये इनका फ़ोन आया था, तो रोल नंबर था, अननोन नंबर था जी। हाँ, तो इनसे मैंने कहा कि यहाँ पे फ़ोन क्यों करते हैं, ये बोलते हैं आपने रिश्तेदारी में करा था, सॉरी। अच्छा। इन्होंने फ़ोन काट दिया, फिर इन्होंने फिर करा दो दिन के बाद फिर किया। हाँ। फ़ोन जब किया इन्होंने तो मैंने फिर बोला, तुमने फिर फ़ोन किया, इन्होंने फिर सॉरी बोला। अच्छा। तो जब से हो गई मुलाकात, फिर बातचीत होती रही जी दो साल तक। हाँ, दो साल से मिली नहीं थी, अब मिली हूँ, पहली बार मिली हूँ आप जी। हाँ। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की। राधिका इसलिए खुश है कि अब उसे तीन तलाक और हलाला जैसी मुसीबतों से नहीं गुजरना पड़ेगा, और पप्पू इसलिए खुश है कि आखिर उसने जिससे मोहब्बत की वो उसे हमेशा के लिए मिल गई, कोई मजहब और धर्म की दीवार उनकी मोहब्बत को रोक नहीं पाई। वहीं अगर पंडित की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही पंडित हैं जिन्होंने 64 मुस्लिम लड़कियों की शादी उनकी मर्जी से हिंदू लड़कों से कराकर 30 नवंबर को चर्चाओं में आ गए थे, और तब से पंडित को लगातार धमकियां मिल रही हैं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।